जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे क्लास 12 का मैथ, जिसमें एनसीईआरटी बुक की यदि बात की जाए तो जो टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं ये टाइप 4 है। और यदि आप इस क्वेश्चन को खोजेंगे एनसीईआरटी बुक में तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने इसका 3 वीडियो डाला है, यदि आपने अभी तक उसका उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां जाकर तीनों वीडियो को देखिए, फिर आप इस टाइप 4 को देखिएगा, आपको पूरा का पूरा आसानी से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 7.4 आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि टाइप 4 में किस तरीके का क्वेश्चन आता है आपका। यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए 1/√(x-1)(x-2)। इससे पहले क्या था टाइप 3 में कि यहां पर द्विघात बहुपद हुआ करता था, ठीक है। यहां पर जो आपका बहुपद था ये द्विघात बहुपद था, लेकिन अभी भी यह द्विघात बहुपद ही है। फर्क दोनों में क्या है कि ये आपका गुणनखंड करके लिखा हुआ है, ठीक है, और वो जो है बिना गुणनखंड किए हुए लिखा हुआ रहता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि इसी को द्विघात बहुपद में क्यों ना बदल लें, तो आइए बदल लेते हैं, आसानी से बदल लेंगे। सबसे पहले इसको तो माना जाता है, माना i बराबर i, इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन को हम लोग i मान लेते हैं। चलिए तो i बराबर आपका हो जाएगा यहां पर देखिए 1/√(। अब इसका गुणनखंड जो किया हुआ है आप इसको आसानी से गुना कर सकते हैं। देखिए गुना कैसे करना है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पहले आपको दोनों को गुना कर लेना है, ये दोनों को, तो कितना हो जाएगा x², ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ कर लिखना है, यदि समान चिन्ह है तो जोड़ कर लिखना है, असमान चिन्ह होगा तो घटा कर लिखना है आसानी से, तो कितना हो जाएगा देखिए -3x, ठीक है। इसके बाद ये दोनों अंक को एक बार गुना कर लेना है चिन्ह के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2। इस तरीके से आप आसानी से द्विघात बहुपद का गुना कर सकते हैं, यदि उसका गुणनखंड दिया गया हो तो गुना करके आप इसको आसानी से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका द्विघात बहुपद के रूप में बदल चुका है, तो जब द्विघात बहुपद आ गया तो पहले वाला नियम आपको लगाना है, करना क्या है आपको यहां इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बदलने का प्रयास करना है, तोड़ने का प्रयास करना है। देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बदलने के लिए हम आपको बता दिए थे कि यदि यहां पर माइनस दिख जाए तो आपको सोचना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यदि यहां प्लस दिख जाए तो आपको सोचना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अभी यहां माइनस लिखा हुआ है तो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोचना है, आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। देखिए यहां लिख रहे हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यदि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात की जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी दोनों फॉर्मूला के आधार पर हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं क्वेश्चन को। अब आइए यहां माइनस लगा हुआ है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे प्रयोग करना है देखिएगा, ऊपर वाला को झोंका कर रहने दीजिए आप 1/√(। देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर लिख दिए ए स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला में देख लीजिए यहां पर 2 ए की जगह पर तो यहां वाला मान आएगा, ठीक है। अब बी के जगह पर क्या लिख दिया जाए कि 3x आ जाए, ठीक है, बी के जगह पर कितना लिख दिया जाए कि 3x आ जाए। तो सिंपल बात आपको हम बता दिए हैं कि बी के जगह पर वैसा मान रखना है जो आपको लाना है ऊपर में, और यहां जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उतना बटा में लिख दीजिए, आसानी से वो आपका जो है आ जाएगा जो यहां लाना है। जैसे यहां पर 3 लाना है आपको, तो करना क्या है, यहां 3 से ऊपर में आपको गुना कर लेना है, और हटाना किसको है 2 को ना, तो बटा में 2 लिख देना है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x आ गया, यानी हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 3/2 के होल स्क्वायर। फिर देखिएगा यहां 3/2 का होल स्क्वायर करने का क्या मतलब हो गया 9/4। अब 9/4 आपको यहां कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो जब 9/4 कहीं नहीं दिख रहा है तो क्या करना है आपको, प्लस 2 लिखना है, ये लास्ट वाला को जोड़कर क्यों लिखना है, जितना यहां अपना मन से आप जोड़े हैं उतना जो है आपको इधर घटा लेना है, यानी यहां घटाना क्या है, इतना अपना मन से जोड़े हैं ना, इतना तो इसमें नहीं लिखा हुआ था, तो जो जोड़ दिए उतना घटा लीजिए, यानी 3/2 का होल स्क्वायर यहां से आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है, ठीक है। इंटू dx को लिखना है, लिखेंगे आसानी से। देखिएगा अगला जो स्टेप आपका होगा, यहां हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना के जगह पर क्या लिखेंगे ए
माइनस बी का होल स्क्वायर। देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पर तो एक्स है ना आपका, रूट अंडर एक्स माइनस बी के जगह पर क्या है 3/2 ना, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद ये जो करते हैं 2 यानी प्लस 2 और इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस, यदि आप इसको स्क्वायर करके यहां लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी लिखेंगे यहां पर 9/4 इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका, देखिए 4 × 8 और माइनस 9, तो जब 8 में से 9 को माइनस कर रहे हैं तो उल्टा घट रहा है ना, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस वन बाई फोर इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स। लिखेंगे 1/√ एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि आपको मालूम है कि आपको फॉर्मेट इसका क्या है, यहां फिर से हम इसका फॉर्मेट लिखते हैं एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही 3 फॉर्मेट है इसका, ठीक है। 1/ करके आता है, सब में 1/ करके आता है, ये 1/ 1/ 1/ ठीक है, रूट लग इसी में रूट लगा हुआ रहेगा या फिर बिना रूट वाला आता है, तो यही कंडीशन है और इसी कंडीशन के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यहां देखिए ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक जगह पर कॉन्स्टेंट होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर वाला, यदि परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं है तो आपको बनाना पड़ता है रूट लगाकर, जो सब बातें हम आपको बता दिए। 1/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये भी बात हम आपको बताए थे कि यहां एक्स के साथ कोई कॉन्स्टेंट ना ही प्लस में होना चाहिए, ना ही माइनस में होना चाहिए, ना ही गुणा में होना चाहिए, ना ही भाग में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर x के साथ जो कांस्टेंट है वो माइनस में, यदि गुना में रहता है तो आप उतना से भाग करके उसको हटा देते हैं, लेकिन यदि कांस्टेंट आपका जोड़ या घटाव में आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, इस पूरे को मान लेना है, ठीक है, पूरे को जो है आपको y के रूप में मान लेना है। तो यहां क्या करते हैं, आइए अगला स्टेप दिखाते हैं आपको, लिखेंगे पुनः माना वाई बराबर क्या है आपका एक्स माइनस 3/2, ठीक है। मानने के बाद क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, जैसा कि आपको मालूम है एक्स के सापेक्ष यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी मान लीजिए तो क्या हो जाएगा dy बराबर dx, ये आपका इधर भाग में है उधर गुणा में चला जाएगा, तो dy का मान किसके बराबर हो जाएगा dx के बराबर हो जाएगा। अब इस मान को लौटा लेते हैं, ठीक है, तो जब मान को लौटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नाउ i बराबर जो आपका वैल्यू है यहां पर लौटा लीजिए 1/ इतना की जगह पर क्या माने हैं y, देखिए यहां पर x माइनस 3/2 की जगह पर y माने हैं, तो यहां हो जाएगा आपका रूट अंडर y स्क्वायर और माइनस इतना की जगह पर क्या है तो 1/2, ये हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर। फिर यहां आपको चाहिए था dx, लेकिन अब dx को हटा के dx की जगह पर क्या लिखना है आपको dy, क्योंकि यहां फंक्शन जो है आपका y के रूप में बदल गया है, तो ये हो जाएगा आपका dy। अब आप देखिए कि ये किस फॉर्म में दिया गया है आपका, यहां हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए ना यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो भी रूट के अंदर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो भी रूट के अंदर। तो इस तरीके का जो आपका फंक्शन होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम आपको बता दिए, ठीक है, तो आइए इसके इंटीग्रेशन को देखते हैं। आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा i बराबर log x प्लस ज्यों का तीन, x की जगह पर यहां y है ना, तो लिखेंगे y प्लस ज्यों का तीन, ज्यों का तो कहने का क्या मतलब है, जो यहां है वही सेम टू सेम, तो लिखेंगे रूट अंडर क्या है आपका y स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका c, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, यहां पर y का मान लौटा लेना है, जो y का मान आपको वहां माने हैं y के मान को लौटा दीजिए और ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन गया। देखिए इधर हम मिटाकर जो है y, चलिए y का मान लौटा लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका i बराबर log y का जो मान है आपका x माइनस
थ्री बाई टू और प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर लिखना है आपको वाई की जगह पर क्या, एक्स माइनस थ्री बाई टू के होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो आई बराबर हो गया आपका लॉग एक्स, यहां पर देखिए यदि आप चाहे तो इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यदि या थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, एक्स माइनस थ्री बाई टू प्लस रूट अंडर, अब आप इसको देखेंगे तो ये जो आपका फंक्शन आया है आखिर किसको तोड़ने से आया है, तो जो शुरू में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है, जो क्वेश्चन आपने शुरू में लिखा था उसी को जब आप परिवर्तन किए थे पूर्ण वर्ग विधि के रूप में तो आपका ये आया था, ठीक है। वही आपका जो फंक्शन था उसी को तोड़ने से ये आया था, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके जगह पर पुनः इसको लिख सकते हैं आसान, ठीक है। यहां पर आपका था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू, ठीक है, इसी को परिवर्तन करके जो ये लाए थे तो लिख सकते हैं इसके जगह पर प्लस सी, उतना क्रिया करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर। आई बराबर हो जाएगा आपका लॉग लॉग, देखिए यहां पर भिन्न का घटाव कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री बाई टू और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि आप चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक मान लीजिए फिर भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो बात वहीं पर जाके अटकेगी, ठीक है। तो आपको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, ये इसका आंसर यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आसानी से बन गया टाइप चार का। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इसी तरीके का कार्य करना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन एक हम लिखेंगे अभी जो आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, एक क्वेश्चन अभी हम आपको लिखते हैं जो आपके उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 7.4 का ही है। यदि आपको इस तरीके का क्वेश्चन जहां भी मिल जाए आप आसानी से उसको इसी तरीके से बनाएंगे, हम आपको टाइप बाय क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी का लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, बाकी अदर बुक जो साइड बुक है आप उसका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते हैं इस तरीके से। देखिए तो करना क्या है, आपको अभी जस्ट बताए हैं कि यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए और क्वेश्चन में आपका जो रूट के अंदर वाली फंक्शन है वो आपका यदि द्विघात बहुपद के रूप में नहीं रहेगा, गुणनखंड के रूप में रहेगा, तो आपको सबसे पहले उसको द्विघात बहुपद के रूप में बदल लेना है। बदलना कैसे है ये भी आपको बता दिए हैं, वन बटा रूट अंडर, देखिए क्या करना है, पहले दोनों का गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद दोनों को यदि समान चिन्ह है तो दोनों अंक को जोड़िए, असमान चिन्ह है तो दोनों अंक को घटाइए, ठीक है। दोनों अंक को यहां समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी ए बी, ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, और यहां आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, इनटू आपको एक्स लिखना है, इसके बाद दोनों को गुना कर लेना है आपको फिर से, तो माइनस माइनस प्लस, और ए को बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका डीएक्स। बात आप आसानी से समझ रहे होंगे। इसके बाद आपको पूर्ण वर्ग विधि से इसको कैसे तोड़ना है देखिएगा, वन बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, देख लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूला वाला ए, ए के जगह पर तो एक्स है, अब बी के जगह पर क्या रख दिया जाए कि ए प्लस बी आपका बच जाए, देखिएगा। तो आपको बता दिए थे कि जो लाना है उसको ऊपर में लिखना है, जिसको हटाना है उसको नीचे में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ये लाना है तो ऊपर में, हटाना है किसको है टू को ना, तो टू आपका आ जाएगा नीचे में, देखिए टू से टू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स जो आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। तो आपका आ गया क्या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर आपका क्या होगा ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। यहां तक का काम खत्म है, देखिए ए प्लस बी बाई टू इसमें है क्या, नहीं है, तो आपको ये लिख लेना है, लास्ट वाला लिखना है प्लस ए बी आपको लिख देना है, जितना आपने अपना मन से जोड़ा है उतना फिर आपको घटाना पड़ेगा, इसलिए घटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, जब तक आप इतना नहीं घटाइएगा जो आपका बहुपद था वो गलत हो जाएगा ना, क्वेश्चन कुछ और है आप अपना मन से कुछ और लिख रहे हैं, तो जितना आपने जोड़ा उतना आपको घटाना पड़ेगा, इतना को आप फिर से घटा लीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए प्लस बी बाई टू का
होल स्क्वायर इंटू में आपको डीएक्स लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, यहां समझ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इतना के जगह पर आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे वन बटा रूट अंडर, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए, ए के जगह पर है आपका एक्स माइनस बी, बी के जगह पर क्या है ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इतना के जगह पर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर लिखा गया आपका। इसके बाद अब यहां समझते हैं कि यहां क्या करना है आपको, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। या तो आप ये कर सकते हैं कि इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अलग अलग कर लीजिए, फिर बटा बटू है तो इसका स्क्वायर करके फिर भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका हम आपको बता सकते हैं कि यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए सबसे पहले आप। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में आएगा और जो प्लस में है वो कहां चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर ये आ जाएगा आपका, ये माइनस वाला प्लस में, यानी हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और फिर यहां हो जाएगा आपका माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी इंटू में क्या होगा डीएक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बातें आपको लिखना है एक स्टेप और, वन बटा रूट अंडर, रूट अंडर क्या है आपका देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका जो का क्यों रहेगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ये जो का क्यों लिखना है आपको एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर जो का क्यों लिखेंगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है देखिएगा, समझते हैं, यहां पर आपका a प्लस बी बाई टू है उसका होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के रूप में जो का क्यों रहेगा, जब इस पर स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा दो का स्क्वायर यानी चार, तो लिखेंगे यहां पर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और बटा में आपका हो जाएगा फोर माइनस ए बी जो करते हो, माइनस ए बी जो करते हो, ठीक है। यहां पर ये मछली को छूट गया था, इसको हम लिख दिया है इंटू में क्या हो जाएगा आपका डीएक्स। समझने का प्रयास कीजिएगा, इत्मीनान से क्वेश्चन को समझिएगा, वन बटा रूट अंडर ये जो का क्यों रहेगा आपका एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और हो जाएगा आपका माइनस, देखिए क्या हो जाएगा फोर ए बी, यानी लिखेंगे यहां ए प्लस बी बाई टू माइनस फोर ए बी और बटा में फोर। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां फोर ए बी कैसे लिखा गया है, देखिएगा भिन्न का घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर ए बी बटा में फोर, आसानी से आ गया। अब यहां फॉर्मूला है, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी बराबर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर आसानी से। कैसे लिखेंगे समझिएगा ठीक से, यदि आप यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा, और यहां आपका है माइनस फोर ए बी, तो प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी घट के तो माइनस टू ए बी बचेगा, तो बस माइनस टू ए बी आ गया, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा वन बटा में रूट अंडर, रूट अंडर क्या है आपका ये एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस, यहां ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको इसके जगह पर लिख सकते हैं ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और आपका बटा में कितना है फोर, या आपका फोर जो का क्यों रहेगा, ठीक है। अब आप समझिए कि क्या करना है आगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपका आसानी से बन रहा है पूरा का पूरा। तो ये आपका हो जाएगा जो का क्यों अभी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और आपका हो जाएगा माइनस, देखिए यहां ए माइनस बी का स्क्वायर है, यहां आपका कितना है चार है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं दो का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब आपका जो क्वेश्चन है फिर से उसी फॉर्म में आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में,
यहां फिर x के साथ जो आपका कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है कि इसको मान लेना है। तो मानेंगे इधर एकदम स्टेप वाइज बता रहे हैं, पूरी डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं, हर एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। इसको मानते हैं y, लिखेंगे y बराबर पुनः माना, y बराबर क्या है जो आपका यहां अंदर में है पूरा को मान लेना है, x माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये हो जाएगा आपका x माइनस ए प्लस बी बाई टू। अब इसको x के सापेक्ष आपको डिफ्रेंसिएशन कर देना है तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर, इसका तो वन हो जाएगा ना, dx बटा dx का वन हो जाएगा, और ये पूरा का कांस्टेंट है आपका a प्लस बी बाई टू, पूरा का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो के बराबर होता है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका dy बराबर में क्या dx, ठीक है। अब मान को लौटा रहे तो लिखेंगे नाउ i बराबर जो आपका मान है लौटा लीजिए बारी बारी से, इतना के जगह पर क्या माने हैं y, तो लिखेंगे वन बटा रूट अंडर वाई स्क्वायर, स्क्वायर लिखेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, यहां लिखेंगे a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dy, क्योंकि यहां देखिए आपको dx लिखना था लेकिन dx के जगह पर आपको क्या लिखना है dy, क्योंकि फंक्शन आपका y के रूप में बदल गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए i बराबर आपका हो गया क्या 1 बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन अभी आपको जस्ट लिख के दिखाए हैं log x प्लस ज्योकाते हूं, तो लिखेंगे log x, x के जगह y है ना, तो y प्लस ज्योका त्यों कहने का क्या मतलब है, जैसे ही ज्योका त्यों कहने का मतलब हम ये भी लिखेंगे और फिर इसका मान लौटाएंगे तो आपका क्या आएगा, यही आएगा ना, फिर से यही आएगा आपका, फिर से ये आएगा या फिर ये आएगा, क्योंकि इसी को बदल के लिखे हैं तो ये आएगा, तो आप क्यों ना हम ज्योका त्यों की जगह पर इस पूरे फंक्शन को लिख दें आसानी से, ठीक है, ये पूरा फंक्शन आपका लिखा जाएगा आसानी से यहां पर, तो लिखेंगे ज्योका त्यों में आ जाएगा आपका रूट अंडर ज्योका तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। ध्यान रखिएगा कि यहां वाई के जगह पर आपको मान लौटा लेना है ये वाला, ठीक है, तो आपका हो जाएगा वाई आई बराबर लॉग वाई के जगह पर ये मान लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू और फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका ए बी और प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे, यहां पर आप भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं या इसके जगह पर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी को बदल के ये लिखे और इसको बदल के हम ये लिखे, बस समझ में आ रहा आपको, तो इन तीनों में से किसी को भी यदि आप लिखते हैं वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो के पर यहां पर बोल रहे हैं ना, ये जोके की जगह पर या तो आप ये लिखिए फिर इसका मान बदलिएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप इसी को लिख दीजिए, इसको नहीं लिखना है तो ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि तीनों एक ही चीज है आपका, ठीक है। तो आप जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को आसानी से देख लीजिए, आप समझ लीजिए ठीक तरीके से कितना आसान कार्य है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो आपको खुद से बनाना है, अपने से घर से रुककर आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो आपको घर से बनाना है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए ये पांच क्वेश्चन आप लोगों को घर से करना है, देख लीजिएगा यह क्वेश्चन आपका एक दो तीन चार, ये चार क्वेश्चन आपको एक टाइप कर दिया गया और ये पांचवा क्वेश्चन जो है आपका टाइप तीन पर आधारित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पांचों क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और क्वेश्चन को बनाइए, आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने से क्वेश्चन को बनाइएगा उतना ही ज्यादा आप सीख पाइएगा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अपने से बनाने का प्रयास करेंगे और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, इसका एक और टाइप बच गया है तो अगले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज 7.4 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग 7.5 की बात करेंगे। इसी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।